दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली ताइडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए 29 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। चलिए जानते हैं यूएनएससी के बारे में। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 5 अन्य अंग हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा ट्रस्टीशिप काउंसिल, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और पांचवा सचिवालय। सुरक्षा परिषद तथा अन्य 4 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। चलिए बात करते हैं यूएनएससी की संरचना की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। महासभा 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों जो कि कुल 10 में से होते हैं का चुनाव करती है और हर साल 5 सदस्य प्रतिस्थापित हो जाते हैं। 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। परिषद की अध्यक्षता एक ऐसी क्षमता है जो हर महीने अपने 15 सदस्यों के बीच घूमती है। यूएनएससी के मतदान शक्तियों की बात करें तो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक एक मत होता है। सुरक्षा परिषद के मामलों पर निर्णय स्थायी सदस्यों के सहमति सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में से एक का नहीं वोट प्रस्ताव के पारित होने को रोक देता है। इसी को वीटो पावर कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं यूएनएससी के कार्यों के बारे में। तो यूएनएससी की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करना है, साथ ही उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के तेज विकास पर ध्यान देना, आतंकवाद के उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग के बढ़ते खतरे पर ध्यान देना जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया, आतंकवाद के वित्त पोषण और मानव रहित हवाई प्रणाली आदि, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रसार और डिजिटलीकरण में तेजी पर ध्यान देना। चलिए कुछ अन्य बातों को जान लेते हैं। भारत 8वीं बार पिछले साल यानी 2021 में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में शामिल हुआ और यह 2 साल यानी 2021-2022 तक परिषद में रहेगा। वर्ष 2011 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर इसके तहत आतंकवाद समिति यानी CTC की स्थापना की गई थी। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए न्यूयॉर्क USA, ऑप्शन बी हेग नीदरलैंड, ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।